ओके सो हे गाइस, बस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप का न्यू फायर फोटो एडिटिंग। सो गाइस, इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं जितने भी बैकग्राउंड पिन जिसका मैं यूज़ करूँगा सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग इसी वीडियो देखने वाला जगह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस, वीडियो जो हमारी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो गाइस, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चलिए गाइस, आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज, आप सभी को सबसे पहले क्या करना है गाइज, आपको इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। देन गाइज जाना आपको ऐड फोटो में, एंड गाइज यहाँ से आप सभी को ऐड करना अपने मॉडल को। एंड गाइज मॉडल को ऐड करने के बाद गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पे गाइज मॉडल का साइज कुछ इस टाइप से आपको रखना है यहाँ पे। एंड उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको रेजर टूल के ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है गाइज आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है एक बारी। एंड यहाँ पे आपको एक डुप्लीकेट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको सिंपली मॉडल का डुप्लीकेट करना है। एंड उसके बाद आपको रोटेट वाले ऑप्शन में जाकर आपको सबसे लास्ट वाला ऑप्शन लेना है। एंड उसके बाद आपको उसको नीचे की तरफ ले जाना है। एंड उसके बाद गाइस क्या करना है आपको, यहाँ पे गाइस जो पॉइंट दिख रहा है गाइस आपको 4-5 पॉइंट जो होते हैं हमारे इसमें, आपको जो इस पर सिंपली क्लिक करना है। पहले मैं अपने इस मॉडल को ऊपर कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे दोबारा से नीचे वाले मॉडल को क्लिक करना है। एंड जो पॉइंट दिख रहा है गाइस आपको व्हाइट वाला डॉट, आपको सिंपली क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करके इसको थोड़ा सा ऐसे छोटा करना है जिस टाइप से, ठीक है। एंड उसके बाद आपको नीचे की तरफ कुछ इस टाइप से ऐसे लगा देना अपने मॉडल के नीचे। एंड उसके बाद आपको ये मतलब कि एक रिफ्लेक्स बना रहे हो कि रिफ्लेक्शन बना रहे हो कि मतलब कि जो आपका मॉडल है उसका जो रिफ्लेक्ट है वो वाटर में पड़ रहा है, ठीक है। तो इसको ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको इसकी ओपेसिटी यहाँ पे कम कर लेना है। एंड ओपेसिटी कम करने के बाद आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऐड फोटो में जाके यहाँ से गाइस आपको ये विंग्स का पीएनजी जो गाइस इसको ऐड करना है। एंड उसके बाद आपको इसको फ्लिप रोटेट करके आपको उसको नीचे की तरफ ले जाना है। एंड इसको मूव बैक कर देना है, मूव बैक नहीं सॉरी मूव डाउन। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका भी ओपेसिटी यहाँ पे कम रखना है। एंड गाइस ओपेसिटी कम रखने के बाद भी ये दिख रहा है गाइस, ठीक है। तो मतलब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे गाइस और कोई चांस नहीं हमारे पास, तो इसको हमें इरेज करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम रिजल्ट टूल में जाएंगे, सिंपली इसको हम यहाँ से इरेज कर लेंगे जो बीच बीच में जो एरिया है। हम यहाँ पे हार्डनेस फुल कर लेते हैं इसकी, एंड यहाँ से हम फटाफट से इसको इरेज कर लेते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ तक हमारा इतना परफेक्ट है। अब क्या करेंगे गाइस, हम सिंपली डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके उसको डन कर लेंगे। अब गाइस क्या करना है आप सभी को, अब यहाँ पे गाइस लगाना आपको फायर के पीएनजी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा ऐड फोटो में। एंड ऐड फोटो में जाके गाइस आपको ये वाला फायर का पीएनजी लेना है, ठीक है। तो सारे जितने भी फायर का यूज़ करूँगा पीएनजी में गाइस सबका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इसको लेने के बाद आपको इसको ब्लेंडिंग मोड चेंज करके स्क्रीन कर देना। एंड देन गाइस आपको यहाँ पे अपने शोल्डर के पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऐड करना है। एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे इसका डुप्लीकेट करके आप उसको पूरी बॉडी में लगाना है, ठीक है। मतलब डुप्लीकेट कर करके, एंड आपको जो जो पीएनजी है गाइस सब कुछ मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आप एक एक करके आप यूज़ कर लेना। तो मैं यहाँ पे गाइस थोड़ा फटाफट करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि आज ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता मैं आपका। तो ऐसे फटाफट करते हैं अब हम। ओके गाइस, सो इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको जाना है टूल्स में गाइस, फिर आपको स्केचेस वाले ऑप्शन में जाना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ इसकी पावर को यहाँ पे फुल कर देना है, एंड साइज को छोटा कर देना है। एंड उसके बाद आपको अपनी फोटो को जूम करें गाइस, आपको कुछ इस टाइप से ऐसे गाइस दिखे, ऐसे ऐसे आपको प्रेस करते हुए आपको यहाँ पे पेंट करना है ऐसे। एंड ये जो होगा आपके वाटर रिफ्लेक्शन का वो बन जाएगा गाइस, कि मतलब जो वाटर है यहाँ पे मतलब कि रुका हुआ नहीं है, तो उस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाना है। तो आपको कुछ इस तरीके से ऐसे पेंट करना है। एंड ऐसे कर करके आपको थोड़ा मतलब कि मैं तो यहाँ पे थोड़ा फटाफट कर रहा हूँ, बट आपको आराम आराम से करना है। तो मैं इसको फटाफट कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके गाइस, इतना हो चुका है हमारा। तो अब क्या करेंगे हम गाइस, इस फोटो को हम सिंपली यहाँ पे सेव कर लेंगे, एंड इसको लेके चलेंगे लाइट रूम ऐप में, क्योंकि बिना रिटच के तो हमारी फोटो बिल्कुल अधूरी है। तो आपको क्या करना है, आपको जाना स्लाइड वाला ऑप्शन में, आपको इसका जो कॉन्ट्रास्ट है गाइस जिसको आपको थोड़ा बढ़ाना है, आपको जो इसका हाईलाइट है इसको थोड़ा सा इंक्रीज करना है।
एंड जहाँ पे शेडो है इसको भी थोड़ा इंक्रीज कर देना है, एंड जो व्हाइट है इसको भी आपको यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज कर देना है, ठीक है। और उसके बाद ब्लैक मिलेगा आपको, ब्लैक को थोड़ा बढ़ा देना है, एंड उसके बाद जाना आपको यहाँ पे कलर्स में, फिर आपको कलर्स में जाने के बाद आपको उसका वाइब्रेशन बढ़ा देना, थोड़ा सा टेम्परेचर कम कर देना है, एंड जाना कलर मिक्स में आपको ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, फिर उसका सैचुरेशन थोड़ा माइनस करना है, ल्यूमिनस बढ़ा देना है। फिर उसके बाद आपको जाना येलो कलर में, आप इसका ह्यू चाहो तो चेंज कर सकते हो, एंड उसके बाद आपको इसका सैचुरेशन है जो आप इसको भी मतलब बढ़ा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। देन आपको जाना है ऐसे डार्क ब्लू में, आपको यहाँ पे ब्लू कलर का ह्यू बढ़ा देना है एंड सैचुरेशन प्लस कर देना है, एंड उसके बाद कर देना है डन। फिर उसका जाना आपको कलर के नीचे वाले टूल में, आपको यहाँ पे फोटो की क्लियरिटी है जो इसको बढ़ा देना है, एंड फोटो में जो थिकनेस है वो डाल देना है। फिर इसके नीचे आपको मिला ग्रे माउंट, आपको उसको बढ़ा देना है, एंड उसके बाद जाना आपको नीचे वाले टूल में, यहाँ पे आपको गाइस फोटो की शार्पनेस इंक्रीज करनी है, एंड फोटो में गाइस थोड़ा सा नोट रिडक्शन डालना है, एंड इसके नीचे मिला आपको कलर नोट रिडक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हमारी फोटो जहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूँ आपसे वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।